السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين أما بعد برادران إسلام تهارت كباب مي جو بعض لوگوں سے واقع ہوتی ہیں. उनमें से एक ग़लती ये भी है कि इंसान पेशाब से मुकम्मल पाकी हासिल नहीं करता पेशाब से फ़ारिग़ तो हो जाता है लेकिन कुछ कतरात उसके लिबास पर उसके जिस्म पर वाक़ हो जाते हैं पड़ जाते हैं पेशाब से मुकम्मल पाकी न हासिल करना कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीद है कि अल्लाह के नबी आलम मदीने के बागात में से एक बाग पर से गुज़र रहे थे तोल्ला के नबीम वहाँ पर रुक जाते हैं दो ख़बरों की तरफ़ आप इशारा करते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दोनों क़बर वाले इन पर अल्लाह का अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज़ पर इन्हीं अजाब नहीं दिया जा रहा है बल्कि उनमें से एक आदमी चुगलखोरी किया करता था ग़ीबत और चगलखोरी में अपने अवकात को सर्व किया करता था और दूसरा आदमी फ़कै न लाइस्तः तिरोम बौली ही वो आदमी पेशाब से मुकम्मल पाकी हासिल नहीं किया करता था इस वजह से अल्लाह ताला उसको कब्र में अदाब दे रहा है लिहाजा मुसलमानों को इस बाप में एहतियात से काम लेना चाहिए कि पेशाब के कुछ खतरात उनके जिसम पर या उनके लिबास पर वाकई न होने पाए गिरने न पाए जो मुखालफतें तहारत के बाब में जो गलतियां वाकई होती हैं मुसलमानों से उनमें से ग़लती ये भी है कि बहुत सारे मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो अपने पेशाब को अपनी गंदगी को वो रोके हुए होते हैं और इसी हालत में वो न, नमाज अदा कर लेते हैं मेरे मुसलमान दोस्तों नमाज अल्लाह ताला की एक इबादत बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक का एक जरिया है एक वसीला है लिहाजा बंदा जब नमाज के लिए अल्लाह के दरबार में आता है तो ऐसे असबाब उसको इख्तियार करने चाहिए जिनकी वजह से नमाज में खुशु पैदा होता है और खुशु को ज़ायल करने वाली जितनी चीज़ें हैं अपने से उनको दूर करना चाहिए मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ने से मना किया ऐसी हालत में जिस हालत में वो अपने पेशाब को रोके हुए होता है क़ाए हाजत की ज़रूरत होती है लेकिन गंदगी को रोक नमाज अदा करने की कोशिश करता है फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला सला तबीजर खाना हाजिर हो जाता है खाना मुसलमान के सामने रख दिया जाता है तो खाना आने के बाद मुसलमान को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए और इसी तरीके से वाला हुआफ़ल अखबसान पेशाब को रोककर गंदगी को रोककर इंसान को नमाज नहीं पढ़नी चाहिए शेख उमिया रही से सवाल किया गया कि पानी खत्म हो हो होने के बाद इंसान नमाज अदा करना चाहता है इस हाल में कि वो अपने पेशाब को रोके हुए है और अपनी गंदगी को रोके हुए है आया इस हालत में पानी खत्म होने के बाद वजू के साथ नमाज अदा करना ज्यादा बेहतर है या तयम करके इन चीज़ों से फारिग होकर वो नमाज अदा करे शेखुल इस्लाम जमिया रही फरमाते हैं कि शरीयत की मुखालफत करते हुए इन चीज़ों को रोक कर नमाज अदा करना मकरू है ममनू है इसलिए इंसान को चाहिए कि वो तम कर ले इन चीज़ों से फारिग होकर तयम करके नमाज अदा करे इस पर परामा का इतफ़ाक़ है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हदीस के मुताबिक ही अमल है मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों हम मुसलमानों को चाहिए कि इस चीज़ की तरफ तो दें कि पेशाब को रोककर कर और गंदगी को रोक कर नमाज अदा करने की कोशिश ना करें इससे नमाज में खलल वाक होता है और खुशू खत्म हो जाता है जो गलतियां मुसलमानों से वाकई होती हैं तहारत के बाब में उन गलतियों में से गलती ये भी है कि मुसलमान रात में जब आराम करता है सो गया था जब बेदार होता है बेदार होने के बाद उसको चाहिए कि के के अपने हाथ को डालने से पहले तीन मरतबा अपने हाथ को अच्छी तरीके से की ये सुन्नत है, आपका तरीका है। ताला हैं कि जब तुम एक कोई आदमी रात में सो जाता है फिर बेदार होता है बेदार होने के बाद अपने हाथ को के बर्तन में उस वक्त तक न डाले जब तक के अपने हथेलियों को तीन मरतबा अच्छी तरीके से न धोले इसलिए कि कि उसको पता नहीं होता कि वो रात में उसके हाथ कहाँ थे रात में उसके हाथ कहाँ थे उसको पता नहीं होता है इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उर्दू के बर्तन में अपने हाथों को डालने से पहले तीन मरतबा अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो ले उसके बाद वो वज़ू का आगाज करे अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु सल्हल की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों पर अमल करने की तोहफ़ी कदा फरमाए आमीन व आखिरदावाना अनिलहमदल रबीआलमीन